नमस्ते जीनियस, माई सेल्फ अलका एंड वेलकम टू अवर एक्सेलेंस फैमिली। चलिए फ्रेंड स्टार्ट करते हैं। अब हम इकाई 3 जिसमें हम पढ़ेंगे मुद्रा एवं बैंकिंग के बारे में। ठीक है, मुद्रा क्या है, बैंक क्या होता है, वैसे तो दोनों एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। ठीक है फ्रेंड्स, तो हम मुद्रा और बैंक के बारे में जानने के साथ साथ सबसे पहले ये जानेंगे कि मुद्रा से पहले किस रूप में विनिमय होता था। विनिमय मतलब किस रूप में खरीदी बिक्री होती थी, लेन देन होता था। ठीक है फ्रेंड्स, तो इसका फर्स्ट पार्ट है वस्तु विनिमय प्रणाली का अर्थ एवं दोष। मतलब मुद्रा के पहले वस्तु के रूप में विनिमय होता था, वस्तु देकर वस्तु को खरीदा जाता था। ठीक है, इसकी डिटेल को हम पढ़ेंगे जिससे हमें इसका अर्थ और भी अच्छे से समझ सकेंगे या पता चलेगा। तो देखो लिखा है, दो पक्षों के बीच होने वाले वस्तुओं एवं सेवाओं के ऐच्छिक मतलब इच्छा से। दो पक्ष मतलब कि यहाँ पर दो व्यक्ति ले लेते हैं अपन। ठीक है, ये दो व्यक्ति ले लेते हैं यहाँ पे, ए और बी। अब ये दोनों एक दूसरे से कोई भी वस्तु को खरीद रहे एवं बेच रहे, तो अपनी इच्छा से, ऐच्छिक इच्छा से। वैधानिक मतलब कि इनके ऊपर किसी प्रकार का प्रेशर नहीं है, ये स्वतंत्र है। एक पक्ष दूसरे पक्ष को वस्तु खरीदने के लिए बाध्य नहीं करेगा कि तू मेरी वस्तु को खरीद और बदले में तेरी वस्तु दे। एंड अगला है एवं पारस्परिक हस्तांतरण, मतलब एक दूसरे को हस्तांतरण। हस्तांतरण, हस्त मतलब होता है हाथ, संस्कृत भाषा का शब्द है हस्त, एक हाथ से दूसरे हाथ में वस्तु को देना। तो दो पक्षों के बीच होने वाले वस्तुओं एवं सेवाओं के ऐच्छिक पारस्परिक वैधानिक हस्तांतरण को विनिमय कहते हैं। विनिमय दो प्रकार का होता है, वस्तु विनिमय या प्रत्यक्ष विनिमय। वस्तु विनिमय जिसे हम प्रत्यक्ष विनिमय भी कहते हैं, मतलब इसमें दोनों पक्ष एक दूसरे के सामने होते हैं। और अगला विनिमय होता है मुद्रा विनिमय, मतलब पैसे देकर वस्तु को खरीदना एवं बेचना, जिसे हम अप्रत्यक्ष विनिमय भी कहते हैं, मतलब इसमें दोनों पक्षों का होना जरूरी नहीं है। अतः विनिमय का प्रारंभ वस्तु विनिमय द्वारा ही हुआ है। विनिमय खरीदना बेचना क्रय विक्रय वस्तु विनिमय से ही चला। ठीक है, इस प्रकार एक वस्तु या सेवा के बदले में दूसरी वस्तु या सेवा प्राप्त करने के कार्य को वस्तु विनिमय कहते हैं। वस्तुओं के हस्तांतरण की इस प्रक्रिया में दोनों वस्तुओं के उत्पादक स्वयं उपस्थित होकर अपनी वांछित वस्तु का हस्तांतरण करते हैं, इसलिए इसे प्रत्यक्ष विनिमय भी कहते हैं। ठीक है, और मुद्रा विनिमय को प्रत्यक्ष विनिमय क्यों कहते हैं, क्योंकि इसमें वस्तु को बनाने वाला उत्पादक नहीं रहता है, वस्तु तो किसी थर्ड पर्सन के माध्यम से मार्केट में आती है। ठीक है, जैसे उत्पादक वस्तु को बनाता है, उससे थोक व्यापारी खरीदता है, फिर थोक व्यापारी से फुटकर व्यापारी खरीदता है। ठीक है, फिर फुटकर व्यापारी कौन होता है, गलियों में जाकर वस्तु को बेचता है या दुकानदार होते हैं, तो डायरेक्ट उत्पादक यहाँ पर उपस्थित नहीं होता, इसलिए इसे अप्रत्यक्ष विनिमय कहते हैं। ठीक है, अब हम पढ़ेंगे फ्रेंड्स यहाँ पर वस्तु विनिमय प्रणाली की कठिनाई, कि वस्तु के माध्यम से जब खरीदी बिक्री हो रही थी तो ये इतना आसान था, या इसमें किसी प्रकार की बाधाएं कठिनाई या इसके अवगुण या कुछ दोष थे। तो देखते हैं इसके कुछ दोष या कुछ कठिनाई बताई गई है। जैसे फर्स्ट बताई गई है दोहरे संयोग का अभाव, इसका क्या अर्थ है, इसकी डिटेल से ही हमें पता चलेगा। तो लिखा है, वस्तु विनिमय में दो ऐसे व्यक्तियों का मिलना जो अपनी अपनी वस्तुएं देकर एक दूसरे की वस्तु को ग्रहण करे बहुत कठिन था। वही दो व्यक्ति को लेकर आ जाते हैं अपन, किनको, ए को और बी को। ए के पास यहाँ पर क्या है, गेहूं। ठीक है, ए के पास क्या है यहाँ पर, दो व्यक्ति है यहाँ पर ए और बी। ए के पास यहाँ पर मिलेगा अपन को गेहूं, ठीक है, और बी के पास मिलेगा चावल। तो यहाँ बोला गया है दोहरे संयोग का अभाव, मतलब संयोग मतलब दोनों का कॉम्बिनेशन मिलना कठिन है। अब ए को क्या चाहिए, चावल चाहिए, ठीक है, और बी को चाहिए चना। तो ए को चाहिए चावल तो उसको बी मिल गया, वो बी के पास जाता है कि यार मेरे को चावल चाहिए, तो गेहूं लेके चावल दे दे। बी मना कर देगा कि नहीं, मेरे को तो चना चाहिए, मेरे को गेहूं नहीं चाहिए। तो ये होता है दोहरे संयोग का अभाव, कि दोनों व्यक्तियों की पसंद मिलना, दोनों को एक दूसरे की वस्तु की आवश्यकता होना बहुत कठिन होता है वस्तु विनिमय में। ठीक है, सेकंड है सर्वमान्य मूल्य का अभाव, मतलब एक वस्तु को खरीदने के लिए दूसरी वस्तु की कितनी मात्रा दी जाए इसका अभाव है। आज तो हम मुद्रा में बता सकते हैं कि 100 रुपये की 1 किलो वस्तु आएगी या 100 रुपये की 2 किलो वस्तु आएगी, है ना। तो देखो वस्तु विनिमय की दूसरी कठिनाई यह है कि वस्तुओं के मूल्य मापने के लिए कोई सर्वमान्य मापक नहीं है, अतः किस वस्तु के बदले कितनी वस्तु दी जाए यह निर्णय करना बहुत कठिन होता था। क्लियर,
थर्ड, वस्तु विभाजन का अभाव। विभाजन मतलब होता है बांटना। ठीक, आगे पढ़ेंगे, वस्तु विनिमय में कुछ बड़ी वस्तु का विभाजन नहीं हो सकता जिससे विनिमय में कठिनाई आती थी। जैसे किसी व्यक्ति के पास गाय है और उसे बदले में गेहूं, कपड़ा तथा गुड़ लेना है। ऐसी स्थिति में ऐसे व्यक्ति का मिलना बहुत कठिन हो जाता था जिसके पास गेहूं, कपड़ा, गुड़ तीनों ही चीजें हो और उसे गाय की आवश्यकता हो। यदि अलग अलग व्यक्तियों के पास उक्त गेहूं कपड़ा गुड़ वस्तुएं खरीदी जाए तो उनसे भुगतान के लिए गाय के टुकड़े नहीं किए जा सकते। टुकड़े करने से गाय की उपयोगिता नष्ट हो जाएगी। मुद्रा विनिमय में इस कठिनाई को दूर कर दिया। कहने का मतलब है, एक व्यक्ति के पास गाय है, अब उसे तीन चीजें चाहिए, गेहूं, गुड़, कपड़ा, और ये तीनों वस्तुएं एक व्यक्ति के पास नहीं है, तीन अलग अलग व्यक्ति के पास है। अब तीन अलग अलग व्यक्ति से वस्तु खरीदने के लिए उसके पास तीन वस्तुएं होनी चाहिए, जबकि उसके पास वस्तु कितनी है, एक है। तो वो अपने वस्तु का विभाजन नहीं कर सकता, क्योंकि विभाजन करने से उसकी उपयोगिता खत्म हो जाएगी। अगर गाय की जगह कोई दूसरी वस्तु होती तो वो विभाजन कर सकता था। जैसे उसके पास सोना हो तो सोने का सिक्का हो या उसकी चूड़ी हो तो उसके छोटे टुकड़े के रूप में किसी भी रूप में वस्तु को देखकर तीन अलग अलग व्यक्ति से खरीद सकता था। लेकिन यहाँ उसके पास एक सजीव जिसमें जान हो, ऐसी चीज है, तो उसके बदले में वस्तु को कैसे खरीदेगा। अगला पॉइंट है फ्रेंड्स, यहाँ पर मूल्य संचय का अभाव, मतलब बचत की असुविधा। वस्तु विनिमय में भविष्य के उपयोग के लिए धन का संचय नहीं किया जा सकता था, क्योंकि वस्तुओं के खराब होने की संभावना बनी रहती थी। वस्तुओं के मूल्य में परिवर्तन होते रहते थे। मुद्रा विनिमय ने इस असुविधा को दूर कर दिया है। मतलब हम वस्तुओं को ज़्यादा दिन तक इकट्ठा करके नहीं रख सकते थे, क्योंकि जितनी ज़्यादा वस्तु हम खरीदेंगे हमको बदले में उतनी ही वस्तु देनी पड़ेगी। ठीक है, और पहले व्यक्ति किसी भी वस्तु को उतनी ही मात्रा में खरीदता था जितनी उसकी उसको आवश्यकता है, क्योंकि उसके पास उस वस्तु को खरीदने के लिए दूसरी वस्तु की बहुत कम मात्रा होती थी। एंड लास्ट है इसमें मूल्य के स्थानांतरण की कठिनाई। स्थानांतरण मतलब एक स्थान से दूसरे स्थान। वस्तु विनिमय में वस्तुओं को एक स्थान से दूसरे स्थान तक लाने तथा ले जाने में कठिनाई होती थी। जैसे गाय को देखकर किसी भारी वस्तु को लेना पड़े तो उसे घर ले जाने में बड़ी कठिनाई का सामना करना पड़ता था। पहले गाड़ी चलती थी, बैलगाड़ी चलती थी, गाड़ी तो चलती थी लेकिन कौन सी, बैलगाड़ी। और आज तो आप भारी से भारी वस्तुओं को एक स्थान से दूसरे स्थान ले जा सकते हो, विदेश में ले जा सकते हो वस्तुओं को, कुछ मिनटों में, सेकंड में, कुछ घंटे में आप वस्तुओं को एक स्थान से दूसरे स्थान ले जा सकते हो एरोप्लेन के माध्यम से। ठीक है, तो आज बहुत सारी सुविधा है, बस, ट्रेन, आज बहुत सारी ऐसी चीज़ें हो गई जिससे हम वस्तु को एक स्थान से दूसरे स्थान ले जा सकते हैं। तो मुद्रा विनिमय ने इस कठिनाई को दूर कर दिया। मुद्रा के माध्यम से व्यक्ति हर एक चीज़ को अरेंज करके भारी से भारी वस्तु को एक स्थान से दूसरे स्थान ले जा सकता है। ठीक है फिर, तो ये हमने पढ़ा वस्तु विनिमय का अर्थ और इसकी कठिनाइयाँ। अब अगर आपको फिर भी कोई डाउट लगता है तो आप अपना डाउट पूछ सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। बाय बाय।